देशामध्ये मुस्लिम आणि दलित समाजावर होत असलेले अन्याय रोखण्याकरिता केंद्र सरकारनं आवश्यक उपाययोजना कराव्यात असं मत मुंबई अमन कमिटीने मानले. दलित आणि मुस्लिम विरोधी घटकांवर सरकारनं योग्य ती कारवाई करावी अशी मागणी देखील कमिटीने केली. विविध सामाजिक संस्था मिळून निर्मित करण्यात आलेल्या मुंबई अमन कमिटीने देशातील अल्पसंख्याक मुस्लिम आणि दलित विरोधी घटकांचा तीव्र निषेध केलाय. कमिटीने घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत देशातील विविध ठिकाणी अल्पसंख्याक आणि दलितांवर होत असलेल्या अन्यायाला वाचा फोडण्यात आले. हे अन्याय थांबवणे हे केंद्र आणि राज्य सरकारची जबाबदारी आहे, मात्र याकडे सरकारचं पूर्णपणे दुर्लक्ष होत असल्यानं कमिटीचे मौलाना मोहम्मद दर्याबादी यांनी निषेध केलाय. मकसद ये है की इस वक्त मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल खराब हो रही है, खास तौर पर कमजोरों, दलितों और मुसलमानों के खिलाफ अलग अलग बहानों से, कहीं गौ रक्षा के बहाने से, कहीं बच्चा चोरी के बहाने से, कहीं किसी बहाने से जो हमले हो रहे हैं, पूरा एक इज्तमाही शक्ल में, मॉब की शक्ल में जो हमले हो रहे हैं. दादरी से जो सिलसिला शुरू हुआ था वो अब अलवर, राजस्थान, फिर उसके बाद कर्नाटक और आसाम और जम्मू कश्मीर और झारखंड होते हुए सहारनपुर तक अभी पहुँच गया है. ये सूरत हाल पूरे मुल्क के लिए इंतहाई ख़तरनाक है. मुल्क के ज़िम्मेदारों को, रियासती हुकूमत को, मरकज़ी हुकूमत को इस सिलसिले में तवज्जो करनी चाहिए, वरना हमारी मुल्क की यकजहती खतरे में पड़ सकती है. आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी अहम इसीलिए थी ताकि सारे लोग जो नॉन इश्यूज़ पर बात कर रहे हैं, अलग अलग मौजूदात पर बात कर रहे हैं, वो सारे लोग असल जो मुद्दा है इस देश का इत्तेहाद, इंटीग्रेशन, यकजहती, इस पर बात करें. हमारा मुतालबा ये है कि जहाँ जहाँ पर भी कमज़ोरों पर, मजलूमों पर जुल्म हो रहा है, दलितों पर जुल्म हो रहा है, मुसलमानों पर अलग अलग बहानों से जुल्म हो रहा है, वो सिलसिला ख़त्म किया जाए. अगर यही सिलसिला जारी रहा तो फिर मजबूर हो जाएंगे इस देश के सारे कमज़ोर, सारे सताए हुए, सारे जो. यावेळी उपस्थितांनी ॲट्रॉसिटी, जातीयवादी दंगली, मुस्लिम निरपराध तरुणांवर होणाऱ्या कारवाया यासारख्या विविध मुद्द्यांवर चर्चा केली. मात्र ही चर्चा केवळ एका मर्यादेपुरते न ठेवता सर्व सामाजिक घटकांनी यामध्ये सहभागी होणं गरजेचं असल्याचं मत मौलाना बुराद्दीन काजमी यांनी व्यक्त केलं. हिंदुस्तान के जो हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं, चाहे वो दिल्ली में हों, चाहे मुख्तलिफ स्टेट्स में हों, वो नॉन इशूज़ में बात कर रहे हैं. हिंदुस्तान में इस वक्त सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का इशू सबसे बड़ा इशू हो गया है, तो उसमें मीडिया को भी और इंटेलेक्चुअल्स को भी और जो भी हिंदुस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, जो चाहते हैं कि हिंदुस्तान में इंटीग्रिटी और यूनिटी बना रहे, उन सबको इस मसले में आज के डेट में बात करनी चाहिए. हमारे मुल्क का इस वक्त का सबसे बड़ा मुद्दा है कि दलित का, मुसलमान का जान की और माल की और इज़्ज़त की और औरतों की जो है ना इज़्ज़त की हिफाजत होनी चाहिए. मॉब जस्टिस, लिंचिंग, ये पूरी दुनिया में बदअखलाकी, बदतमीज़ी, क्राइम, गुनाह माना जाता है. इस तरह के गुनाहगार लोगों को पनिशमेंट किया जाए, उनके ऊपर एंटी नेशनल एक्ट लगाया जाए और उनको इस तरह से पनिशमेंट किया जाए कि कोई आगे चल करके उसकी हिम्मत ही ना कर सके. मुंबई अमन कमिटी ने देशातील भयावह परिस्थिती स्पष्ट केली. या परिस्थितीत कित्येक निरपराधांनी आपले जीव गमावलेत. या सर्व निरपराधांना सरकारनं नुकसान भरपाई द्यावी अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली. इंटरनॅशनल ह्युमन राईट्स वॉच ने हिंदुस्तान में जो है ना क्वेश्चन लगा दिया है कि यहाँ के दलित, यहाँ के माइनॉरिटी जो है ना महफूज नहीं है. कल गुज़श्ता काल, उससे पहले ह्यूमन राइट्स वॉच में भी जो है ना ये रिपोर्ट आ चुकी है, इससे पहले यूएनओ में ये रिपोर्ट आ चुकी है. तीन इंटरनेशनल एजेंसीज़ ने जब ये कह दिया है कि हिंदुस्तान में रिलीजियस माइनॉरिटीज़ महफूज नहीं है, क्रिश्चियन महफूज नहीं है, दलित महफूज नहीं है, मुसलमान महफूज नहीं है, उससे ज़्यादा बदनामी और क्या चाहिए हमें. आज तक जितने लोग इस मामले में मारे गए हैं, हम डिमांड करते हैं स्टेट्स गवर्नमेंट से भी और सेंट्रल गवर्नमेंट से कि उनको कम से कम 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाना चाहिए. कैमरा वुमन सुचिता सह सोनाली पाटिल, जनादेश वृत्तवाहिनी करिता.